नमस्कार, स्वागत है आपका निदेशक न्यूज में। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है समस्त संविदा कर्मियों से संबंधित। निदेशक, शिक्षा मित्र, अन्य संविदा कर्मी जो कि प्रदेश में कार्य कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, घोषणा पत्र में सपा ने शामिल किया है इनके नियुक्तिकरण के लिए। क्या है सच्चाई, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, चलते हैं क्या है खास खबर पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। अब खबर विस्तार से। संविदा कर्मी नियमित होंगे, सपा की सरकार बनते ही होगा ये बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन बहाल के साथ समाजवादी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। सबसे बड़ी बात ये कि पेंशन, पुरानी पेंशन के लिए बहाल करने की बात अपने मेनिफेस्टो में शामिल की है सपा सरकार ने। उसी के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों को किया जाए। साथ ही यहाँ पर हम वो घोषणा पत्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को कि पूरे किए वादे अब नए इरादे। 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे उत्तर प्रदेश में, 5 साल राशन फ्री। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा, किसानों की सिंचाई फ्री, फसल का तत्काल भुगतान एवं किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था और बीमा व पेंशन की व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। समाजवादी पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। कन्या विद्याधन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी। यहाँ बहुत बड़ी न्यूज है साथियों युवाओं के लिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है अपने घोषणा पत्र में कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी समाजवादी सरकार बनते ही। छात्र छात्राओं को पुनः लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 2005 से पूर्ण कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही फिर से दिया जाएगा यश भारती सम्मान। कलाकारों के लिए एक बड़ी खबर, बड़ा समाचार साथियों ये आ रहा है सपा के घोषणा पत्र से। साथियों यहाँ पर ये सटीक न्यूज़ हमारे अंधेशक न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं। साथियों फैसला आपका, वोट का अधिकार आपका, वोट की चोट की ताकत आप दिखाएंगे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड के नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।